स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एज यस मिलकपुर में। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा संधि, जो कि बच्चों एट क्लास में हमारा टॉपिक है। ये सब्जेक्ट कौन सा है बच्चों? संस्कृत। वैसे बच्चों संस्कृत हो या हिंदी हो, संधि का टॉपिक जो है एक सा ही होता है, एक समान ही होता है। बस ये क्या उसमें डिफरेंस होता है कि जो एग्जांपल होते हैं संस्कृत में उनके पीछे क्या है, विसर्ग लग जाता है, और तो टॉपिक वैसे का वैसा होता है हिंदी और संस्कृत में बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों संधि के बारे में। तो संधि क्या होता है बच्चों? संधि कहते हैं मेल को। किसको कहते हैं? मेल को। मेल किसका? वर्णों का, यानी कि वर्णों के मेल को क्या कहेंगे? संधि। यानी कि दो वर्ण हैं, कोई पास पास दो वर्ण हैं, उनको मिलाने से जो नया वर्ण बनेगा उसे क्या कहेंगे बच्चों? संधि। जैसे इसकी परिभाषा देखते हैं हम कि दो शब्दों के अत्यधिक पास आने पर, यानी कि कोई दो शब्द हैं वो पास पास स्थित है, जैसे विद्या प्लस आल्य, विद्या भी एक शब्द है और आल्य भी एक शब्द है, यानी कि पास पास ये दो शब्द है बच्चों, उसका पहला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण, पहला जो ये शब्द है बच्चों इसका कौन सा अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण कौन सा है? आ, ठीक है। उसके बाद दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण, दूसरा शब्द का जो दूसरा ये हमारा शब्द है इसका प्रथम वर्ण, वर्ण कौन सा है प्रथम? आ। क्या है? आ। तो प्लस आ। प्रथम वर्ण के मेल से जो परिवर्तन अथवा विकार आएगा उसे क्या कहेंगे बच्चों? संधि। यानी कि जो पहला शब्द है बच्चों उसका अंतिम वर्ण और जो पीछे वाला शब्द है उसका पहला वर्ण, इन दो वर्णों के पास पास होने से, इन दो वर्णों को आपस में मिलाने से जो नया वर्ण बनेगा या जो विकार उत्पन्न होगा जो या जो परिवर्तन आएगा उसे क्या कहेंगे बच्चों? संधि। तो यहाँ पे आ और आ ये दो वर्ण हैं, इन दोनों को मिलाने से क्या बना है नया वर्ण बच्चों? आ। तो दो शब्दों में दो वर्णों का मेल हुआ तो नया वर्ण क्या बना बच्चों? आ। तो क्या बनेगा? विदाल्य है। फिर आता है बच्चों संधि के भेद कितने होते हैं, कितने भेद होते हैं बच्चों? तीन। कौन से? स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि, उसके बाद विसर्ग संधि। यानि कि स्वरों के बीच जो संधि होती है बच्चों, यानी कि दो स्वर है कोई, उन दोनों को मिलाने से जो नया स्वर बनेगा उसे क्या कहेंगे? स्वर संधि। और व्यंजन संधि क्या होती है बच्चों? कि स्वर हो या व्यंजन हो, स्वर और व्यंजन को या व्यंजन को मिलाने से जो संधि बनती है बच्चों उसे क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। उसके बाद आता है बच्चों विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होती है? जो ये विसर्ग होते हैं कि किसी वर्ण के पीछे ये विसर्ग है और आगे उसके बाद कोई स्वर है या कोई व्यंजन है, तो उन स्वर या व्यंजन को विसर्ग से मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कौन सी संधि कहते हैं बच्चों? विसर्ग संधि। उसके बाद बच्चों आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में केवल स्वर संधि के बारे में कि स्वर संधि होती क्या है, इसके भेद कितने होते हैं। स्वर संधि जैसा कि मैंने बताया कि स्वरों को स्वरों से मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। उसके बाद स्वर संधि के भेद कितने होते हैं बच्चों? पाँच भेद होते हैं स्वर संधि के। कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो इनको हम डिटेल से आज पढ़ेंगे बच्चों। दीर्घ संधि देखते हैं बच्चों कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, उसका पहला भेद कौन सा है बच्चों? दीर्घ संधि। दीर्घ मीन्स दीर्घ होना या बड़ा होना, किसी चीज़ का वर्णों का बड़ा होना क्या होता है? दीर्घ संधि। तो इसकी परिभाषा देखते हैं कि ह्रस्व, ह्रस्व, ह्रस्व मीन्स छोटा, दीर्घ मीन्स बड़ा। तो ह्रस्व अथवा दीर्घ छोटे या बड़े, अ ई आ उ से परे, यानी कि एक साइड क्या हो ए अ ई आ उ हो इस साइड, और उससे परे यानी कि इस साइड क्या हो, इस साइड भी क्या हो, ह्रस्व या दीर्घ छोटे या बड़े अ ई उ हो, तो वो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे बच्चों? ये वाला और ये वाला दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे, यानी कि आ हो जाएगा। अगर अ और अ है तो क्या हो जाएगा? आ। और अगर ई और ई है तो क्या हो जाएगी? ई। और उ और उ है तो उ हो जाएगा। तो ये आपको दीर्घ संधि में ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, क्या होता है? आ ही होता है,
कहीं आपको शब्द के बीच में आ दिख जाए तो वो समझ लेना कि दीर्घ संधि है बच्चों। अगर बड़ी ई मिल जाए आपको तो समझ लेना दीर्घ संधि है, और ऊ मिल जाए तो समझ लेना कि दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि में आम होगा और ई होगी और ऊ होगा, ठीक है। ये इसकी पहचान है कि आ ही होगा, चाहे ह्रस्व हो आ हो या आ हो, दोनों के मिलने से आ ही बनेगा बच्चों, और ई हो या दूसरी साइड भी ई हो या बड़ी ई हो, दोनों के मिलने से यही बनेगा, और ऊ हो तो दोनों साइड कौन सा भी ऊ हो बनेगा यही। तो इसकी दीर्घ संधि की पहचान यही है कि इसमें आ बनता है और ई बनती है और ऊ बनता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बच्चों इसको, कि जैसे देवालय है हमारा, देवालय, इसकी संधि हमने की देव प्लस आलय। इसमें हम संधि कैसे पता करेंगे बच्चों कि कौन सी संधि है? तो देव है बच्चों, ये जो शब्द है इसका हमने परिभाषा में पढ़ा था कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण कौन सा है बच्चों? वह है, तो वह के अंदर क्या है? अ है। क्या है? अ। तो उस आ को हम निकाल देंगे, तो देव हमने लिखा, व से हमने आ को निकाल दिया, तो वह जो है आधा हो गया। आधा होने का मीन्स क्या है कि ये हलंत उसके नीचे लग जाएगा। अगर किसी वर्ण के नीचे हलंत लगा है बच्चों तो समझ लेना कि वो आधा है, तो वह ये आधा हो गया। इसमें से हमने क्या निकाला? अ, तो ये अ हो गया बच्चों। उसके बाद आल्य का जो पीछे वाला शब्द है बच्चों, उसका पहला वर्ण आपको लेना है, तो पहला वर्ण कौन सा है बच्चों? आ। तो यहाँ हम आ ले लेंगे। उसके बाद ये ले का कोई रोल नहीं है, ये पीछे ऐसे का ऐसा रहेगा। तो संधि कहाँ पे हुई है बच्चों? दो वर्णों के बीच में। वर्ण कौन से हैं? ए और आ। तो हमने कहा था ना कि ए, चाहे इस साइड आ हो या उस साइड अ हो, या इस साइड ए हो या उस साइड आ हो, तो दोनों के मिलने से क्या बनेगा? आ बनेगा। क्या बनेगा? आ। तो आ बन गया, इसका ए और आ के मिलने से आ बन। तो क्या बनेगा? दे, वह है, वह में आ मिला देंगे जो ये बना है, तो क्या बनेगा? देवा और ले, संधि हो गई देवालय है। क्या हो गई? देवालय है। ऐसे ही ई कैसे बनता है? ई का उदाहरण हमने उठाया, कवि प्लस इंदर, क्या बना? कविंदर। कैसे पता करेंगे संधि कौन सी है? इसमें से भी ऐसे निकालेंगे बच्चों, क हमारा ऐसे का ऐसे रहेगा। वी, ये जो पहला शब्द है इसका अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण कौन सा है बच्चों? ई। क्या है? ई। तो हमने कव तो ऐसे का ऐसा ले लिया, वह में से हमने ई निकाल दिया, तो वह क्या हो गया बच्चों? आधा हो गया, और ई हमारी हमने यहाँ पे ले ली। इसके बाद ये जो वाली ई है इसकी संधि होगी, तो ई हमारी यहाँ पे रहेगी, और अंदर का कोई रोल नहीं है, ये पीछे ऐसे का ऐसा है। तो संधि कहाँ पे हुई बच्चों? ई और ई की। परिभाषा में हमने पढ़ा था कि ह्रस्व हो या दीर्घ हो, यानी कि इस साइड बड़ी ई हो या ई हो, या उस साइड ई हो या बड़ी ई हो, दोनों के मिलने से बनना क्या है? बड़ी ई ही बनना है। क्या बनेगी? बड़ी ई। तो करते हैं इसकी संधि। कौ था, हमने कौ लिखा, ठीक है बच्चों। उसके बाद वह आधा था, तो ई और ई के मिलने से क्या बना? बड़ी ई। तो वह में हम बड़ी ईद लगा देंगे, ये वाली क्या हुआ? कवि और अंदर ऐसे का ऐसा, तो क्या बनी संधि बच्चों? कविंद्र। उसके बाद देखते हैं बच्चों ऊ वाला उदाहरण देखते हैं हम, कि ऊ और ऊ के मिलने से क्या बनेगा? बड़े वाला ऊ। तो भानु प्लस उदय है बच्चों, इसकी हम ये जो शब्द है इसकी संधि करेंगे, क्या बनेगी? भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। तो करते हैं इसकी बच्चों, देखते हैं कि भा न, तो न से ऊ निकाल देंगे बच्चों, ये ऊ निकाल देंगे, तो न क्या होगा? आधा हो गया, ऊ यहाँ आ गया हमारा। उसके बाद आगे वाला जो शब्द है उसका पहला वर्ण, पहला वर्ण कौन सा है? ऊ। तो ये निकाल लेंगे, ये यहाँ पे लिया ये हम। उसके बाद दे, पीछे ऐसे का ऐसा लिख देंगे। तो मैंने बताया था कि ऊ और ऊ के मिलने से क्या बनेगा? बड़े वाला ऊ। तो इस साइड बड़ा ऊ हो या उस साइड बड़ा ऊ हो, या इस साइड छोटा हो या उस साइड बड़ा हो, दोनों के मिलने से बनना क्या है? बड़ा ही बनना है। तो दोनों के मिलने से बड़ा ऊ यहाँ पे बन जाएगा बच्चों। तो अब इसकी बनाते हैं हम कि भा न हमारा आधा था, तो ये ऊ बना है, जो नया वर्ण बना है ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और दे ऐसे का ऐसा।
तो क्या बना बच्चों? भानु व्यय। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, दीर्घ संधि में क्या होता है कि जो वर्ण होता है छोटा हो या बड़ा हो वो क्या बनेगा? दीर्घ ही बनेगा, बड़ा ही बनेगा। आ और ई और उ ये बड़े वर्ण बच्चों दीर्घ संधि में बनते हैं। इसके बाद कौन सी संधि आती है बच्चों? स्वर संधि का दूसरा भाग कौन सा है? गुण संधि। यानी कि गुण संधि कौन सी होती है बच्चों? कि यदि ए आ के अ आ के बाद क्या हो? ई या ई आ जाए, हर्षव या दीर्घ ई आ जाए, या हर्षव या दीर्घ ऊ आ जाए, या री आ जाए, तो क्या हो जाता है बच्चों? ए और अ और ई के मिलने से क्या होगा? ए और अ और ऊ के मिलने से क्या होगा? ओ और ए अ प्लस री के मिलने से क्या होगा? अर होगा। तो इसकी पहचान क्या होती है बच्चों? कि इसमें गुण संधि में क्या होता है? ए होता है, ए ही बनेगा इसमें, ओ ही बनेगा और अर बनेगा। यानी कि जहाँ कहीं आपको शब्द के बीच में ए दिख जाए या ओ दिख जाए या अर दिख जाए तो समझ लेना कि कौन सी संधि है, वो गुण संधि है। तो दीर्घ संधि में क्या था कि आ था और बड़ी ई थी और बड़ा ऊ था उसकी पहचान। और गुण संधि की क्या पहचान है कि इसमें ए होगा, ओ होगा और अर होगा। तो इसको समझते हैं बच्चों एग्जाम्पल के थ्रू कि जैसे ए और ई के मिलने से क्या बना बच्चों? ए। जैसे हमारा सुरेंद्र है बच्चों, सुरेंद्र कोई शब्द है, इसमें हमने संधि ढूंढनी है कि कहाँ पे हुई है। तो इसकी संधि करेंगे हम कि सुर प्लस इंद्र, सुर प्लस इंद्र। हमने संधि तो कर दी कि सुर प्लस इंद्र क्या होता है बच्चों? कि सुरेंद्र होता है जी, लेकिन हमें पता नहीं है कि रट रट के लिख दिया बस कि सुर प्लस इंद्र होता है, लेकिन पता नहीं है कि संधि कहाँ पे हुई है, कौन से वर्ण में हुई है। वो बच्चों मैं आपको बताऊँगी कि कैसे होती है। जैसे पहले भी किया, जैसे दीर्घ संधि में हमने सुर है जो, इसका हमने सुर लिख लिया, इसका पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण कौन सा है? र में जो अ है वो है अंतिम वर्ण। तो अंतिम वर्ण निकाल लेंगे, अ निकल गया इसका, अ र में से आ निकाल दिया, अ निकल दिया, तो र जो है आधा हो गया। उसके बाद बच्चों ई है जो, ये हमने लेना है पिछले शब्द का पहला वर्ण। इसके बाद ये हो गया बच्चों, अंदर हमें ऐसे का ऐसा लिखना है। तो संधि कहाँ पे हुई है बच्चों? यहाँ पे। नियम क्या बताता है कि अ अ और ई के मिलने से क्या बनेगा? ए। चाहे यहाँ पे आ होता तो भी क्या बनता बच्चों? ए ही बनना था। तो अ और ई के मिलने से क्या बनेगा? ए। तो इसके बनाते हैं हम सुर, र हमारा आधा था तो आ और ई के मिलने से क्या बना? ए। तो ए हम र जो है इसके ऊपर लगा देंगे, ए हो गया हमारा, और अंदर बच्चों ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। तो ये होगी बच्चों हमारी गुण संधि, यानी कि अ और अ और ई के मिलने से क्या बनेगा? ए। या आ या ई के मिलने से क्या बनेगा? ए। तो बनना क्या है? ए ही बनना है। इसके बाद बच्चों आता है ओ वाला उदाहरण कि अगर ए आ के बाद ऊ आ जाए तो ए और ऊ को मिला देंगे तो कौन सा वर्ण बनेगा बच्चों? ओ। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे सूर्योदय हमारा शब्द है कोई, एग्जाम्पल ले लिया हमने सूर्योदय, इसकी हम संधि करेंगे सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। तो देखते हैं कैसे बनेंगी। सूर ले लिया हमने और यह सूर्य, यह में से आ निकल गया, क्या निकल गया? आ, आ हमारा यहाँ पे आ गया। उसके बाद ऊ निकाल लिया, ऊ आ गया, और दया ऐसे का ऐसे, दया ऐसे का ऐसे। तो संधि कहाँ पे हुई है बच्चों? यहाँ पे। आ और ऊ के हमने पढ़ा नियम में कि अ और ऊ के मिलने से क्या बना? ओ। तो यहाँ पर क्या बनेगा? ओ। तो इसको मिलाते हैं सुर, सुर यह में ओ मिला देंगे, यह र हमारा आधा है ये भी, तो ओ यह में मिलाएंगे तो क्या बना? सूर्यो, और यह आधा था तो यहाँ पे चला जाएगा, और दे ऐसे का ऐसे। तो ये बनी बच्चों संधि गुण संधि, यानी कि अ और ऊ के मिलने से ओ बनेगा। उसके बाद आता है बच्चों री वाला उदाहरण कि अ और री के मिलने से क्या बनता है? अर बनता है। देखते हैं हम कि सप्त है जो, इसमें हमने पहले शब्द का अंतिम वर्ण यानी कि त में से अ निकाल दिया तो त बच्चों आधा रह गया, यहाँ पे आ गया अ, और री यहाँ पे ले लिया हमने, संधि करनी है हमें इन वर्णों में, ठीक है, और सी ऐसे का ऐसे।
तो संधि बच्चों करनी है आ और री के मिलने से क्या बना है बच्चों, अर। क्या बना? अर। ठीक है, अब लिखते हैं हम तय हमारा आधा था, तय हमारा आधा था, तो अर अर जो है यहाँ पे उठा के ले आएंगे हम, तो ए हमारा इसमें मिल जाएगा, तय पूरा हो गया। और र र सी लिखेंगे और सी के ऊपर बच्चों र आधा है तो यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या बना बच्चों? सप्तर्षि। तो इस तरह से बच्चों गुण संधि बनती है। इसकी पहचान क्या है कि इसमें ए बनेगा, ओ बनेगा और अर बनेगा। उसके बाद आता है बच्चों थर्ड वाली कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में क्या होता है कि यदि एक साइड, इस साइड जो है, जो हमारा उदाहरण है, इस साइड क्या हो? अ या आ हो, और इस साइड क्या हो बच्चों? ए या आई हो। क्या हो? ए या आई हो। तो दोनों के मिलने से क्या बनेगा बच्चों? आई बनेगा। अगर ए आ के बाद बच्चों यहाँ पे क्या हो, इस साइड क्या हो? ए या आ हो, और दूसरी साइड क्या हो? ओ या औ हो, तो दोनों के मिलने से क्या बनेगा? औ। वृद्धि संधि की ये पहचान होती है बच्चों, मोटी मोटी क्या पहचान है कि इसमें आई ही बनता है, चाहे किसी साइड ए यानी कि ए आ के पश्चात आई हो या ए हो, दोनों के मिलने से क्या बनेगा? आई बनेगा। और ए आ के पश्चात यानी कि ए आ के बाद जो शब्द आता है उसका जो पहला वर्ण होता है उसका, वो चाहे ओ हो या औ हो, दोनों के मिलने से क्या बनेगा? औ। ये इसकी मोटी मोटी पहचान है। तो देखते हैं, इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि अ और ए के मिलने से क्या बनेगा? आई। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक और एक क्या बना? एक एक। कैसे बना बच्चों? संधि करते हैं तो एक है जो बच्चों, ये जो शब्द है इसका पीछे वाला वर्ण, पीछे वाला वर्ण कौन सा है? क है। क के अंदर क्या है? अ, तो अ को निकाल देंगे, क आधार आ गया। अगर हमने अ निकाल लिया तो उसके बाद ए है बच्चों, पीछे वाले शब्द का पहला वर्ण, तो ए हो गया। और उसके बाद बच्चों क ऐसे का ऐसे, तो संधि कहाँ पे हुई है बच्चों? यहाँ पे। तो अ और ए के मिलने से क्या बना बच्चों? आई। क्या बना? आई। मिलाते हैं हम कि ए क हमारा आधा था और इसको आई को इसमें क में मिला दिया, तो आई की मात्रा यहाँ पे आ जाएगी बच्चों, और पीछे क्या था? क, तो क्या बना? एक आई क। ये हो गया बच्चों अ और ए वाला नियम। उसके बाद देखते हैं कि यदि अ और आ के बाद ओ आ जाए या अ अ आ के बाद औ आ जाए, तो बनेगा क्या? औ बनेगा। बनना क्या है? औ ही बनेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको कि वन प्लस औषधि है तो क्या बनता है बच्चों? क्या बनेगा? वनौषधि। क्या बनेगा? वनौषधि। कैसे बनेगा वो देखते हैं हम। जैसे वन प्लस औषधि इसकी हमने संधि कर ली, कैसे बनी? वन प्लस औषधि। तो इसको बनाते हैं हम, हमने रख तो लिया कि क्या बना? वन प्लस औषधि, लेकिन पता नहीं है कि बनता कैसे है। तो न का जो पहला जो शब्द है बच्चों, इसका अंतिम वर्ण कौन सा है? अ, तो अ निकाल लेंगे हम न से, न आधा हो गया, अ अ निकल गया तो इसे आधा हो गया। उसके बाद ओ, पीछे वाला जो शब्द है बच्चों उसका पहला वर्ण कौन सा है? औ। उसके बाद शधि, ऐसे का ऐसा रहेगा बच्चों, इसका कोई रोल नहीं है। देखते हैं अब हमने क्या पढ़ा था कि यदि इस साइड क्या हो, अ हो या आ हो, तो दोनों के मिलने या पीछे से क्या हो, ओ हो, ओ हो या औ हो, दोनों के मिलने से क्या बनेगा? औ। तो हमारा ये नियम है यहाँ पे लागू होता है, तो ओ और औ के मिलने से क्या बनना है बच्चों? औ। क्या बनना है? औ। तो इसकी बनाते हैं हम कि व लिख लिया हमने, न क्या था बच्चों? आधा था, क्योंकि हमने ए इसमें से निकाल लिया था, तो न ऐसे लिख देंगे हम, औ जो है इसमें लगा देंगे, नए में औ की मात्रा यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या था? षधि। क्या था? षधि। तो क्या बना बच्चों? ऐसे हमारी संधि हो गई, वृद्धि संधि, इनके वृद्धि होना। पहचान क्या हुई बनना है?